तो क्या तुम लोग उनमें से हो जो कि एक बैक्टीरिया बुलाते हैं जबकि बुलाना चाहिए बैक्टीरियम, या फिर तुम लोग को डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में डिफरेंस नहीं पता? तो आज हम कुछ कॉमन टेक्निकल टर्म्स की बातें करेंगे जिनके बारे में तुम लोग हमेशा या फिर ज्यादातर लोग गलत होते हैं। तो फर्स्ट इज GPU या ग्राफिक कार्ड, या फिर दोनों चलते हैं। वेल, दिस इज योर ग्राफिक कार्ड एंड इस ग्राफिक कार्ड की प्लेट पर ये जो छोटी सी चिप दिख रही है तुम्हें, दिस इज कॉल्ड GPU, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और जब तुम इन ग्राफिक कार्ड पे लिखा हुआ दिखते हो ना RTX 3050, RTX 3060, 3070, 3080, तो ये कुछ नहीं, ये बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा GPU लगा हुआ है, यानी कि कौन सी चिप लगी हुई है। ग्राफिक कार्ड तो वो पूरा है, तो ग्राफिक कार्ड इंक्लूड्स योर हीट सिंक, योर फैंस, योर कलर, बॉडी डिजाइन, एवरीथिंग। और तुम्हारा GPU इज जस्ट दैट प्लेन चिप जो कि एक्चुअली में पावरफुल और ज्यादा पैसा उसी चीज का होता है। ओके, ये समझ में आ गया। तो अगला भी सिंपल है, डिस्क वर्सेस डिस्क, यानी कि सी वाला और के वाला। ओके, लेट मी टेल यू, डिस्क यानी कि ये जो सी वाला डिस्क है दैट इज ओनली फॉर CD, DVD, Blu-rays, यानी कि एक ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। और जो तुम्हारा डिस्क है के वाला, दैट इज फॉर मैग्नेटिक ड्राइव्स, जैसे कि तुम्हारा SSD हो गया, HDD हो गया, या फिर फ्लॉपी डिस्क हो गया। तो समझ रहे हो तुम लोग, तो आप किसी से टेक्निकली लड़ना हो तो तैयार रहना। अब इसके बाद लोग प्रोसेसर में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मेरे पास i3 है, i5 है, i7 है। वेल, चीजें इतनी सिंपल नहीं है प्रोसेसर्स में। प्रोसेसर में पहला तुम्हें जनरेशन पता होनी चाहिए, i5 10 जेन, i5 9 जेन, i5 11 जेन, ठीक है। ये कैसे पता लगाओगे? हर प्रोसेसर के नाम के आगे एक कैरेक्टर होता है, जैसे कि तुम्हारा 12500H, 10500H, 11500H, तो ये जो नंबर है ये जनरेशन बता रहा है। दूसरा, इन्हीं प्रोसेसर में हर जनरेशन में अलग अलग वेरिएंट भी आते हैं। तो i5 12 जेन में फिलहाल 4 वेरिएंट काफी ज्यादा चल रहे हैं, 12 जेन 1235U, 1240P, 1250H, 1500H, यानी कि तुम्हारा प्रोसेसर उतना पावरफुल है जितना बड़ा ये नंबर है। और सारे प्रोसेसर एक जनरेशन के एक साल के भी बराबर नहीं होते। कंफ्यूजिंग है, आई नो, इसीलिए लैपटॉप्स को कंपेयर करना काफी डिफिकल्ट होता है, बट दैट इज द ट्रुथ। बाकी यही थे ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग टेक्निकल टर्म्स जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।